डाला है उसके ऊपर, पूरा स्नो ही स्नो है। आज ब्रेकफास्ट में ही इडली चटनी एंड देन सांभर एंड प्लस वी ऑल्सो है पूरी भाजी। सो कल तो पूरी भाजी अपनी ट्राई हो गई, नाउ टुडे वी विल ट्राई इडली एंड सांभर। सो इट्स 9:27, इट्स टाइम टू लीव फ्रॉम दिस रूम। दो दिन यहाँ पे रहे विद द ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ पे कोहरा छट जाता है तो इसलिए व्यू ही नहीं दिखता। एक बार को क्लीन करके दिखाता हूँ, ये देख लीजिए। ऐसे अमेजिंग व्यू हमको मिल रही थी फ्रॉम द बेड, सो दैट्स व्हाई आई लव दिस होटल। एक नंबर व्यू है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग बैक टू माय चैनल दैट इज सागर्स लाइव, आवर चैनल नेम। सो इट्स 9:15, टाइम टू लीव फ्रॉम शिमला टू एक्सप्लोर अनदर ब्यूटीफुल प्लेस मनाली। जी हाँ, आज की जर्नी में हम शिमला से जाएंगे टूवर्ड्स मनाली। सो द डिस्टेंस फॉर आवर नेक्स्ट होटल इज 248, जिसके लिए गूगल बता रहा है 7 घंटे। तो अभी हम लोग ग्रुप के साथ जा रहे हैं और एक लंच ब्रेक भी होगा, ऐसे नहीं कि हम लोग राइड कर रहे तो डिस्टेंस कवर करेंगे। सो एज वी आर ट्रैवलिंग विद ग्रुप, सो और 2 घंटा एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए, सो 9 से 10 घंटे लग जाएंगे हम। चलो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो ये एक इनोवा और वो टेम्पो ट्रैवल अपने साथ है। सो ये दो गाड़ियाँ अपने साथ रहेगी फॉर नेक्स्ट 6 डेज। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी, द अल्पाइन रिट्रीट। आप कंसिडर कर सकते हो इनकेस यू डोंट वॉन्ट टू स्टे इन बीजी शिमला सिटी, 10 किलोमीटर पहले ही है। तो ये है पार्किंग एरिया, चाहिए तो आपकी बाइक्स अंडरग्राउंड वहाँ पे भी पार्क हो जाएगी। एंड फॉर योर कार, अगर ये एरिया फिल हो जाता है तो उनके लिए सामने की तरफ यहाँ पे अरेंजमेंट कर लेते हैं। ये पहाड़ देख लीजिए, कुछ कुछ पहाड़ ऐसे देख के, वो पीछे वाला पहाड़ भी देखे, उत्तराखंड की याद आ जाती है। सो स्टिल मनाली इज 149 किलोमीटर, इसके लिए अप्रोक्सीमेटली वी कैन गेट मोर 4 to 5 आवर्स। बस उसके पहले एक बार लंच करना है, लंच के लिए अभी तक रुके नहीं, तो एक ढाबा है आगे, वहाँ पे लोग रुकाएंगे, उसके बाद थोड़ा लंच करेंगे, फिर उसके बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। बट दोनों भी गाड़ी यहाँ पर रुकी है फॉर लंच, फूड कोर्ट। लोकेशन देख लीजिए बॉस, उसके सामने इतना पहाड़ है। बट मैं तो कुछ नहीं खाने वाला हूँ, टेम्पो ट्रैवल में थे और प्लस इनोवा में पीछे जो बैठे थे सबका प्रोग्राम हो गया, बिकॉज रोड पूरे ट्विस्टेड थे, तो उसकी वजह से अभी मेरा भी मन नहीं हो रहा है कुछ खाने का। तो थोड़ा बहुत जूस पी लूँगा, अदरवाइज अवॉइड ही कर दूंगा डायरेक्ट की रात को जब मनाली पहुँचेंगे वहीं पर खा लेंगे। इट्स करंटली 1:30 बज गए, अभी स्टिल पहुँचने के लिए 4-5 घंटे लगेंगे एज वी आर राइडिंग विद अ ग्रुप। सो ये ट्राई कर रहे हैं। सो यहाँ पे फ्रूट चाट एक फिनिश कर दिया नाना बोलते हैं, और एक ये वाटर मेलन जूस पियेंगे। सो इट्स 4:37, अभी जस्ट मंडी क्रॉस किया हमने, यहाँ पे गाड़ी को रुकाया गया है, ये देख लीजिए लाइन दूर तक लाइन है। सो पहले ऊपर वाली गाड़ियों को नीचे अलाउ करेंगे, उसके बाद नीचे वाली गाड़ियों को ऊपर जाने को देंगे। ये गाड़ियाँ ऐसे जाके वहाँ तक ट्रैफिक दिख रहा है हमको, वैसे ऐसे और रुकेंगे, वैसे ऐसे और ट्रैफिक पीछे बढ़ते जाने वाला है। ये देखिए, ये बेस्ट यार, अपनी बाइक इज़ ऑलवेज बेस्ट।
वी हैव स्टॉप फॉर फ्यूल ब्रेक। दोनों भी अपनी गाड़ियाँ डीजल भरवा रही हैं और डीजल बहुत सस्ता है यार, 85 रुपीज़ का डीजल है यहाँ पे और पेट्रोल रेट इज़ 96 और 106 किधर भरते हैं हम लोग, तो 41.93 लीटर गया अंदर। इट्स एग्जैक्टली 8 o'clock एंड वी हैव चेक इन आवर होटल। सो ये स्टार्ट रूम ऐसे होता है यहाँ से। सो ये वॉच बेसिन, मॉर्निंग वाली जगह, फैन, शॉवर एंड ये बेड, कबर्ड, चेयर, ये एक है। द करंट टेम्परेचर इज -3। 8 बजे होटल के बाहर सब जब से आए रहते वहाँ पे पूरा स्नो गिरा हुआ था। नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिल ही जाएगा, तो सी यू ऑन नेक्स्ट व्लॉग। ये आ गए हम गैलरी में और आपको दिखाता हूँ फ्रेश स्नो जो कल रात को यहाँ पे हुई है। ये देख लीजिए, ऊपर माउंटेन्स देख लीजिए, क्या बात है, कंप्लीट स्नो पूरा ढक चुका है। और यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए ऊपर के माउंटेन्स। फाइनली मनाली में आ गए बॉस। ये वाला माउंटेन देख लीजिए, ऊपर वाला अल्टीमेट भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा उसके ऊपर, सिर्फ स्नो से भरा हुआ है। कल रात को थोड़ी स्नो गिर रही थी बट 1-2 घंटे बाद बंद हो गई। आई कुडंट शूट इट बिकॉज रियल हकों से हमको खुद को एंजॉय करना था। टॉकिंग अबाउट दिस होटल, द होटल नेम इज़ होटल हिमगिरी और इतनी सारी पार्किंग आपको मिल जाती है। वो बाइक दिखा देता हूँ आपको, पूरे स्नो में कैसी कवर हो गई है। ये देख लीजिए बाइक की हालत, ओ भाई अल्टीमेट। उसके ऊपर जो कवर डाला है उसके ऊपर पूरा स्नो ही स्नो है।